गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल. दिस इज़ आशीष एंड होप यू गाइज आर डूइंग वेल. नाउ आई एम इन सांकरी एंड आई होप आपको व्यू तो दिख ही रहा होगा मेरे पीछे का. तो दिस इज़ माई होटल वेर आई एम स्टेइंग. ये ना माउंटेन के टॉप में बना हुआ है, एकदम एक साइड है जो छोटी माउंटेन होती है ना उनके टॉप में बनाया. तो बहुत मस्त होटल है यार, मतलब अंडरग्राउंड दो फ्लोर है. तो मैं काम करता हूँ आपको होटल का टूर देता हूँ. ये जो है ना ये इनका किचन है, यहाँ पे ये खाना बनाते हैं. एंड ये सर है हमारे जो हमें ले जा रहे हैं. और ये तो गैलरी है, यहाँ पे देखकर आप खड़े रह के व्यू वगैरह सारा एंजॉय कर सकते हो. सो अभी होटल के नीचे वाले फ्लोर में जा रहे हैं जो हमारा है एक्चुअली. देखो फिसल रहा था, इतनी बर्फ़ जमी है, बर्फ़ पिघल रही है एक्चुअली, बारिश हो रही है यहाँ पे. बैड साइंस फॉर अस. ये देखो ये एक सेकेंड फ्लोर है जहाँ पे लोग रुके हैं. हमारा ये वाला नहीं है, हमारा नीचे का है. सेम देखो ये बालकनी है एंड विद द व्यू. चलो अभी हमारे फ्लोर में जाता हूँ एंड आपको दिखाता हूँ. और ये वे देख रहे हो, इसी से उतरना है. ये सीढ़ी है एक्चुअली और इसमें पूरी बर्फ़ जमी हुई है. तो मैं पहले ना सेफ्टी फर्स्ट उतर जाता हूँ, धीरे धीरे, नो रिस्क. धीरे 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 आया 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 भाई, मैं नहीं और चढ़ सकता फिसले में. रुक जा, पहले मैं उतरूँ एक बार. क्या उतर जाता हूँ और ये मैं उतरा हूँ. और ये रूम्स है सारे यहाँ पे. और हमारा रूम ये है, फिलहाल लॉक है, कीज़ में अपने फ्रेंड के पास भूल गया ऊपर. तो मैं फिर ऊपर जाता हूँ, लेके आता हूँ और आपको एक रूम का टूर देता हूँ. ये जो है ना पीछे 303, ये हमारा रूम है. चलो आपको रूम टूर देता हूँ. डिसेंट रूम है, बहुत सही है, तीन बेड है. मेरा फ्रेंड एंड मैं शेयर कर रहे हैं एंड एक और फ्रेंड है जो दिल्ली से हमें मिला हुआ है, उसके साथ हम तीनों रह रहे हैं. डिसेंट रूम है, सारा लगेजेस वगैरह पैक कर लिया कैरी करने के लिए. जो नहीं ले जा रहे ऊपर रख देंगे और जो ले जा रहे हैं साथ में ही ले जाना पड़ेगा. बस प्रॉब्लम क्या है पता है, यहाँ पे जो ये बर्फ़ पिघल रही है ना यही पानी आ रहा है रूम में, फेस वॉश हर एक चीज़ों के लिए. तो आप सोचो उसको यूज़ करने की कितनी फट्टी होगी. तो ये जो आप देख रहे हो ना होटल, आई डोंट नो दिख रहा है या नहीं, बट यही हमारी होटल थी. हाउ ब्यूटीफुल इट इज़, राइट? तो कल जब होटल पहुँचे, राइट, तो हमने सबसे पहले चाय पी, गर्म पानी, फिर उसके बाद सूप पिया, फिर रात में 8:30 अराउंड 9 डिनर किया हमने, जिसमें था दाल चावल, मिक्स वेज सब्जी थी, बनाना कस्टर्ड था, पिकल था, पापड़ था. बहुत सही डिनर था, मज़ा आ गया खा के, एकदम प्रॉपर, एकदम बोलते हैं ना पहाड़े में जो खाना खाते ना वैसे टाइप का डिनर था. तो इट वॉज़ गुड इनफ. और ब्रीफिंग हुई, क्या क्या बताया मैं बताता हूँ. एंड हाँ, ये मेरा फ्रेंड दिल्ली से, इसको मेंटलिस्ट. सो मतलब बोलते हैं ना हम गुड मॉर्निंग. हाँ ये है ना, हम लोग कैसा है ना, यहाँ पे कोई किसी को नहीं जानता, बट है ना एक फैमिली टाइप बन गई है. वी आर हेल्पिंग ईच अदर, सब साथ में चल रहे हैं, मज़ा कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है. तो हमको ब्रीफिंग में ये बताया गया है कि सेफ्टी इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है. ये जो है ना केदारकंठा, ये एक है ना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है. तो यहाँ जाने के लिए परमिट लगती है, राइट? तो वो परमिट एंड ऑल एवरीथिंग सारा ये प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिए हैं. तो हमने वो भी सबमिट करी, एक फॉर्म भरा है, फिर सारी चीज़ें तो सबमिट कर ली. फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि एक ट्रैक गाइड आगे होगा, एक पीछे होगा, वो उनको क्रॉस नहीं कर सकते. एंड क्लाइमेट 3 दिन से ना बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है. तो अभी तो आपने देखा होगा कि फॉग्स वगैरह दिख रहे हैं, माउंटेंस कवर्ड, धीमी धीमी बारिश हो रही है. एंड सबसे बुरी बात क्या पता है, ठंडी हवा चल रही है जिससे और ज़्यादा फट रही है एकदम. तो उन्होंने ये भी कहा कि ठंड से बचने के लिए जितने हो सके उतने कपड़े पहन लो अभी के लिए, बट इतने भी मत पहनो कि तुम अपना वेट ना उठा पाओ. तो मैंने तो अपर साइड में, मतलब अपर बॉडी में वार्मर्स डाला है, टी शर्ट डाली है, एक जैकेट डाला है और ये वाटरप्रूफ फ्लीस डाली है. तो फॉर नाउ आई एम गुड इनफ, बट लेट्स सी आगे क्या होता है, कैसे होता है, अगर ज़रूरत पड़े तो और डालेंगे.
आराम से भाई। चल तू चल फिर आऊंगा। कांटे वाले पेड़ है देखियो आगे। हाँ कांटे वाले पेड़ हैं गाइस। नहीं पीछे कोई तो नहीं है, मैं ही लास्ट हूँ। जैसे मैंने देखा मैं ही लास्ट हूँ बिकॉज मैं व्लॉगिंग करते करते जा रहा हूँ। एंड हाँ ये स्लोप है ना तो इतनी दिक्कत हो नहीं रही है, तो मैंने सोचा कि एक काम करता हूँ जितने ज़्यादा डिटेल्स दे सकता हूँ मैं अभी दे देता हूँ बिकॉज एक बार माउंटेन क्लाइंब करना पड़ गया तो आई एम नॉट श्योर मैं कैमरा निकालूंगा भी या नहीं बिकॉज सेफ्टी इज़ द फर्स्ट थिंग। एंड हाँ अगर आप लोग सोच रहे हो कि मैं अभी अपनी सेफ्टी की केयर नहीं कर रहा हूँ, बॉस मैंने पूरा ध्यान रखा है अपनी सेफ्टी का। जब मुझे लगता है ना ऐसे ऐसे चीज़ें उतरनी होती है डायरेक्ट सीधा सब कुछ अंदर, बस अपनी अपना ख्याल रख रहा हूँ। ठंड तो भाई बहुत बॉस है, क्या बोल रहा हूँ भाई, ठंड तो बहुत है बॉस। ये ठंडी की वजह से ना वर्डिंग्स यहाँ वहाँ हो रही है मेरी, आपको फनी लगता होगा बट लिटरली -8-9 degrees में आप आओ पता चल जाएगा आपको आपकी क्या हालत होती है। लिप बाम लगा रहा हूँ, आधे घंटे बाद फिर लगाना पड़ रहा है, ऐसी हालत है। बट कोई ना, ये भी एक मज़ा है यार, मतलब अलग ही फील है पूरे दुनिया से अलग, यहाँ पे अकेले रहना इट्स जस्ट अमेजिंग यार। हिमालयस के माउंटेन के बीच क्या बताऊँ, आई कैन नॉट एक्सप्रेस। गेटर्स डाल दिया अभी मैंने और ये जो है स्पाइक्स रोड पे नहीं डालना है अभी बिकॉज ये टूट जाएगा, तो ये हाथ में लेके चलेंगे, बाकी आगे लगा लूँगा जहाँ पे गाइड बोलेगा। सो फाइनली जो जो चीज़ें चाहिए थी वो सारी रेंट कर ली एंड वी हैव स्टार्टेड अवर ट्रैक और ये हम एंटर कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देख सकते हो फिसल रहा है भाई बहुत, बहुत ज़रूरी है ट्रैकिंग स्टिक, ट्रैक के शूज़ एंड स्पाइक्स अभी निकाल दिए हैं तो आगे जहाँ स्नो होगा वहाँ पहन लूँगा। यहाँ से शुरू हो रही है एक्चुअल क्लाइंबिंग एंड बर्फ़ पिघल रही है तो बहुत स्लिपरी है, तो फॉर श्योर मैं तो व्लॉग नहीं कर रहा यहाँ से। जहाँ मुझे लगेगा कि इट्स सेफ मैं निकाल सकता हूँ कैमरा तो मैं निकालूँगा। सो चलिए मिलते हैं जल्दी। थोड़ा सा ऊपर आ गया हूँ, आई थॉट इट्स सेफ तो मैंने कैमरा निकाल लिया अपने एंड व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी। तो अभी हम लोग एक प्लेस में रेस्ट कर रहे हैं थोड़ी ट्रैकिंग करने के बाद, पानी वगैरह पी लिया एंड आगे जाएंगे अभी 5-10 minutes में। सो अब तक तो सही है, थकावट तो हो रही है थोड़ी बट इट्स गुड एक्सपीरियंस। सो यहाँ से व्यू देखो जहाँ मैं रेस्ट कर रहा था। अभी जो आधी ग्रुप है ना वो आगे चली गई है एंड आधी पीछे है एंड मैं हूँ बीच में। इजी नहीं है ये ट्रैक, आपको है ना अलग लेवल की फिटनेस चाहिए इस ट्रैक को करने के लिए। अलग लेवल मतलब आपको फिट होना है इस ट्रैक को करने के लिए, नहीं तो बोलोगे अलग लेवल वाली कौन सी फिटनेस भाई, अलग सी कौन सी फिट, ऐसी कौन सी फिटनेस आ गई। बट जो भी है जैसा भी है चल रहा है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन यूट्यूब करियर राइट आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट माई लुक, सेफ्टी इज़ फर्स्ट भाई। और ये काले काले जिसमें पहन लिया यूवी वाले, गाइड ने कहा कि क्या पता कब वाइट वाइट दिखने लगे सारा बिकॉज थोड़ी थोड़ी धूप दिख रही है। सो दिस इज केदारकांडा।
सो वी आर ईटिंग मैगी नाउ, और ये हमारा प्रॉपर फर्स्ट ब्रेक है जहाँ पे हम लोग चाय मैगी वगैरह जो भी है खा लेंगे, फिर आगे 1 किलोमीटर बाद शायद ब्रेक लेंगे वापस। तो खाने के बाद है ना थोड़ा ऊपर आ गया हूँ मैं, एंड सी क्या है यहाँ पे, अच्छे से दिखाता हूँ आपको। ये जो पानी है ना ये आइस मेल्ट हो रही है एंड ऐसे पानी बह रही है, ब्यूटीफुल, बहुत मस्त है यार। एक्चुअली क्या हो गया ना, वहाँ पे मैं मैगी खा रहा था एंड पता नहीं अचानक से कहाँ सर पे पानी गिर गई, फिर पता चला कि ऊपर की आइस पिघल रही है एंड वो मेरे सर पे गिरी। बट हुआ क्या उससे, मुझे फील ही नहीं हो रही है वो, लाइक ऐसा लग ही नहीं रहा है, बाल गीला है, बस ऐसा लग रहा है ठंडे 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 ठंडे, और हाथ तो वही फील ही नहीं हो रहा है हाथ मुझे। बट क्या है ना कि अगर ग्लव्स पहन लूँगा ना, गाइड ने कहा है कि जितना आज एक्सपोज कर सकते हो अपने बॉडी को एक्सपोज करो ठंड में, अडेप्ट करो ये टेम्परेचर, ताकि जो नेक्स्ट 2 डेज़ है राइट आप यहाँ रहोगे टेंट में तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। इसलिए आप देखोगे जैकेट वगैरह सारा ओपन है, कैप वगैरह नहीं पहना है मैंने, एंड हाँ टेम्परेचर तो फॉर श्योर माइनस में है, ईजिली 7-8 ईजिली। 2 बज रहे दोपहर के, 2 किलोमीटर कर लिया है, शायद और 2 किलोमीटर करना है, होपफुली 5-6 तक पहुंच जाए, ताकि थोड़ा वहाँ जाके शूट भी करूँ कुछ, बिकॉज ये अंधेरा जल्दी हो जाता है, तो अगर जल्दी गया नहीं तो शूट करने कुछ मिलेगा नहीं। और यहाँ पे जो ट्रीज़ है राइट दोनों साइड इतने प्यारे हैं ना, इतने प्यारे, इतना मस्त लग रहा है, उसमें ना स्नो जमी हुई है, बहुत सही दिख रहा है, देखो आप। आई होप आपको वीडियो देख के मज़ा आ रहा हो, अगर आपको कोई भी डिटेल चाहिए रहेगा तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं पक्का बता दूंगा, बिकॉज मैं कर रहा हूँ ये ट्रैक, सो मुझे पता है क्या क्या चीज़ें चाहिए क्या क्या नहीं, एंड आई एम अ टाइप ऑफ गाय, फिर से बोल रहा हूँ, जिसने ठंड बिल्कुल नहीं देखी है, जिसके लिए ठंड होती थी 18 डिग्री 19 डिग्री, और वही बंदा आज -7-8 में ट्रैक कर रहा है। फाइनली मैं लास्ट में वापस से, यस, और ये हमारा सेकंड हॉल्ट है, मे बी विल हैव अवर लंच हियर। ये देखा कितना मस्त है ना, बहुत मज़ा आ रहा है बॉस, बस यहाँ बैठा हूँ चाय पी रहा हूँ, अलग ही मज़ा है यार गरम गरम चाय पीने का। पता है ये ब्लॉग में मैं ना बहुत बार बोल रहा हूँ कि अमेजिंग है यार, बहुत सही प्लेस है रियली, जब तक आप नहीं आओगे ना तब तक आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितनी खूबसूरत जगह है ये। तो बस यही रीज़न है कि मैं कुछ चीज़ें बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बट ट्रस्ट मी इट्स वर्थ इट। यहाँ पे ना एक और टीम आई हुई है, उनकी कैंपिंग यहाँ लगी हुई है, हमारी तो 1 और किलोमीटर जानी है फिर आएगा। हेलो, आ रहा आ रहा, ऐसे इतने दूर से आएगा नहीं। हाय, नाम बोल गया, सुवी आशीष। हाँ हाँ, चलो। तो खाने के बाद हमारी ट्रैकिंग फिर से शुरू हो गई। जूड़ा का तालाब तो 1.5 किलोमीटर है, क्या मराठी की तुम्हें ये पूरी तरह नहीं, नहीं ओके सॉरी। सो जूड़ा का तालाब तो जूड़ा का तालाब है 1.5 किलोमीटर, बट जूड़ा का तालाब से
100 मीटर्स नीचे होगा हमारा बेस, मैं जहाँ कैंपिंग करेंगे। यहाँ पे ना स्नो अब कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है, दिखनी है कितनी डीप स्नो है, ये देखो। बस कैसे तो मैनेज कर रहे हैं, अब स्टैमिना भी ख़त्म हो गया है, बस जल्दी जल्दी ऊपर पहुंचना है जूड़ा और आराम करना है, रेस्ट लेना है। हाँ। देख यहाँ बैठने की कोई जगह नहीं है, बैठेगी सारा गीला हो जाएगा, स्किट कर सकती है। हाँ सीधा नीचे देख, देख देखो तेरे को है ना सीधा नीचे जाना है ना, यहाँ पे ऐसा बैठ सीधा नीचे जाएगा वो। जिंदा रहूंगी ना। देख तुमने बोला था अकेले अकेले शूट कर, साथ में शूट करूँगा तो ऐसे ही होगा फिर। सो अभी है ना हम लोग पहुँच चुके हैं जहाँ हमारी कैंपिंग होने वाली है। इस प्लेस का प्रॉपर नेम है जूड़ा। यहाँ से जूड़ा का तालाब 300 मीटर्स है जो कि हम कल जाने वाले हैं। आई थिंक वहाँ कैंपिंग की जगह नहीं है तो यहीं कैंप लगा हुआ है। तभी जा रहा हूँ चाय और मैगी खाने, आई थिंक यही एक सोर्स है यहाँ पे खाने का जो इजीली बन जाती है और इजीली मिल जाती है। तो खाता हूँ मैं मैगी, 2-3 बार तो दिखा चुका ऑलरेडी मैगी खाना, वापस क्या ही दिखाऊँ। तो यही है हमारा टेंट, 3 शेयरिंग, हम यही रहेंगे रात में। अंदर से दिखाता हूँ आपको, यही सोना है रात में, पता नहीं ठंड लगेगी या नहीं, कुछ आइडिया नहीं है। स्लीपिंग बैग्स दी गई है और ब्लैंकेट भी है, सारे कपड़े पहन लेंगे, बस आज यहीं रुकना है रात में, फिर कल ट्रैकिंग करेंगे वापस से। और ये सारे ट्रैक के सामान भी वापस ऊपर ले जाएगी, हम नहीं ले जाएंगे, मूल्स है जो कैरी करेंगे ऊपर तक। सो अभी रात में खाना वगैरह सब यहीं होगा, और अगर मुझे कुछ लगा कि और दिखाना चाहिए तो मैं दिखाऊंगा रात में, वरना आज के लिए बस इतना ही, बिकॉज बहुत आराम की ज़रूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड, प्लीज़ बताना कैसा लगा है वीडियो, बहुत मुश्किल से बनी है, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक कर देना, और क्या, बस मिलते हैं कल ही।